जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. दिस इज़ प्रगति पांडे एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम एंड वी हैव शॉर्ट आउट सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर स्पेसिफिक फीचर्स. Now we are going to discuss the endocrine glands. Students, in the picture you can see the glands are given. Both male and female have the endocrine glands which are responsible for various functions of our body. Okay, so we will read out all these glands one by one. So students, you know that these endocrine glands secretes hormone and the hormones are responsible for all the functioning of our body. You know that the digestive system is there and the process of digestion occurs. You just intake the food from your mouth and with the help of esophagus it enters into the stomach. In stomach, you know that HCl is present where the food is mixed up with the HCl and it is break down into simple particles called chyme. Further, the movement of that chyme to the intestine, in which the secretion of liver is present. जो liver होता है हमारा वो different juices, pancreatic juices pancreas से निकलती हैं, liver से भी bile juice निकलता है आपका. तो ये सारी चीज़ें उस time होती हैं और hormone की भी functioning, जैसे liver है, pancreas है, ये definite hormones का भी secretion करते हैं जो digestion की पूरी process को conduct कराता है. जैसे आपके अंदर मान लीजिए आपका फूड डाइजेस्ट होकर के स्टोर हो चुका है इंटेस्टाइन की वॉल्स में. अब किसी दिन आपने फास्ट रखा और उस दिन आपने कुछ खाया नहीं, डाइजेशन तो हुआ नहीं आपका, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका स्टोर्ड प्रोडक्ट है, स्टोर्ड फूड है जो आपके अंदर स्टोर हो रखा है आपके इंटेस्टाइन में, विलाई में, उसका ब्रेक डाउन होना है, वो भी हॉर्मोन्स के सेक्रेशन से हो रहा है, हॉर्मोन्स के हेल्प से हो रहा है. ओके, सो हॉर्मोन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. सो फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे बॉडी के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, वो पिट्यूटरी होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन के बेस के पास प्रेजेंट होती है. It is often known as master gland as it controls the functioning of all other glands. क्या होता है, pituitary को हम master gland कहते हैं. master gland क्यों कहते हैं, क्योंकि जो pituitary है, pituitary gland है, ये बाकी सारे glands को control करती है. मतलब मान लीजिए आपका pancreas है, pancreas को hormone release करना है तो वो अपने मन से हार्मोन को नहीं रिलीज़ करेगा. क्या होगा, पिट्यूटरी से एक मैसेज ट्रांसफ़र किया जाएगा पैनक्रियास को कि आप इसको हार्मोन को रिलीज़ करिए ब्लड में. तो पैनक्रियास क्या करेगा, ब्लड में अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स को. सो पिट्यूटरी क्या है, एक मेन बॉडी है, बॉडी का एक, हमारी बॉडी जो है उसमें एक मास्टर है जो बॉडी के सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, अपने अंडर रखता है और उसी के ऑर्डर से सारी फंक्शनिंग होनी होती है. ओके, सो दिस इज़ द रीज़न, दैट्स व्हाई पिट्यूटरी इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. देख रहे हैं आप पिट्यूटरी कहाँ पर प्रेजेंट है. पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब. जो हमारी पिट्यूटरी होती है उस, वो दो पार्ट्स की होती है, एंटीरियर लोब होता है उसमें और दूसरा होता है
पोस्टीरियर लोब। यू कैन सी इन द पिक्चर, आप देख रहे हैं ये पिट्यूटरी है, इसमें नीचे आप देख रहे हैं दो सर्कुलर पोर्शन है, जो आपका लेफ्ट वाला है ये है हमारा एंटीरियर और जो पीछे बगल में जो राइट हैंड साइड है वो हमारा पोस्टीरियर लोब है। दो लोब होते हैं पिट्यूटरी में, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दो लोब्स होते हैं, एक होता है हमारा एंटीरियर लोब और दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर लोब। ओके, सो हमें एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब पता चल गया। द एंटीरियर लोब प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जो एंटीरियर लोब था जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में अभी प्रेजेंट था, वो हमारा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। द डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज ड्वार्फिज्म इन विच अ ह्यूमन बिकम एबनॉर्मली शॉर्ट इन हाइट। जब ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है उस कंडीशन में बौनापन या छोटा हाइट होने की कंडीशन होती है। ओके, सो द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, द पोस्टीरियर लोब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंट वुमेन। कह रहा है जो पोस्टीरियर लोब होता है, यानी कि जो राइट हैंड साइड में पीछे था थोड़ा सा, वो होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में। आपको पता है यूट्रस इज़ अ वॉम्ब इन विच बेबीज आर देयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जहाँ पे बेबीज रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, वो यूट्रस होता है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनमें यूट्रस, अब आप सोचिए बॉडी है, बॉडी में एक बेबी है, तो वो बॉडी को थोड़ा सा स्पेस चाहिए उस बेबी के रहने के लिए, तो वो स्पेस कौन प्रोवाइड करवाता है, आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो आप सोचिए एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि बॉडी की हाइट को बढ़ा रहा है, लेकिन यूट्रस में यूट्रस की लेंथ को, यूट्रस की साइज को भी बढ़ाना तो ग्रोथ में एक तरह से आता है। तो पोस्टीरियर लोब जो हमारी पिट्यूटरी की है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। ओके, ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज गिगेंटिज्म इन द यंग वेयर दे ग्रो इन हाइट एबनॉर्मली। क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो अगर कम हो गई तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, यानी बौनापन हो जाता है, और अगर ओवर सेक्रेशन हो गया मतलब हद से ज़्यादा सेक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तो आदमी बहुत ज़्यादा टॉल हो सकता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। ओके, उसको हम कहते हैं गिगेंटिज्म। एंड एक्रोमीगली इन द एडल्ट्स वेयर द हैंड्स एंड लेग्स ग्रो इन साइज एंड गिव्स गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। कभी कभी क्या होता है, जब ओवर सेक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, तो उस कंडीशन में एक्रोमीगली जैसी कंडीशन हो जाती है, जिसमें जो हाथ होते हैं और जो पैर होते हैं ऑर्गेनिज्म के, ह्यूमन के, वो हद से ज़्यादा मतलब नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग हाथ पैर बड़े होते हैं, जैसे कि गोरिल्ला की बॉडी होती है, उस तरह का अपीयरेंस हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूसेस TSH, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH भी प्रोड्यूस करती है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होते हैं। तो आपको पता है थायराइड यानी थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में प्रेजेंट होती है, स्टिमुलेट मींस उसको रेगुलेट करना, और हार्मोन मतलब थायराइड ग्लैंड के सेक्रेशन को जो रेगुलेट करती है वो पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है, मतलब पिट्यूटरी एक ऐसा हार्मोन रिलीज करती है जो थायराइड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, दैट मींस TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है जो
हमारी थायराइड को कंट्रोल करता है, उसको स्टिमुलेट करता है. सो दैट हार्मोन इज कॉल्ड TSH दैट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन. क्या होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही है, वैसे थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन रिलीज़ करती है. मतलब थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, जो उसका हार्मोन है, उसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं. ओके, सो पिट्यूटरी में कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए. अगर आती है तो आप इवनिंग टाइम में डाउट क्लास में आप मुझसे पूछेंगे. बिफोर दैट वी विल डिस्कस दिस थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इज अ बाई लोब्ड ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द लैरिंग्स. जो थायराइड ग्लैंड होती है ये बाईलोब होती है, मतलब इसमें भी टू लोब्स होते हैं. पिट्यूटरी में टू लोब थे, थायराइड में भी टू लोब्स हैं. मतलब दिस इज़ अ बाईलोब. जो हमारी फूड पाइप होती है, जो हमारी वोकल पाइप होती है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, लैरिंग्स जो होता है हमारा गले में, उसके बगल बगल ये लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है उसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं. ये एक ऐसा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को. मतलब सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया, जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो फंक्शनिंग होती है. सेल, आपने पढ़ा होगा सेल का स्ट्रक्चर. सेल में गोल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका सेंट्रोसोम है, प्लांट्स में प्लास्टिड्स भी होते हैं, उसके बाद आपका न्यूक्लियस है. ये सारी चीज़ें जो हैं, राइबोसोम्स हैं, ये सब एक सेल में प्रेजेंट है और इनकी एक प्रॉपर फंक्शनिंग है. मतलब सेल की जो फंक्शनिंग होती है, सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, उसको थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है. मतलब थायरॉक्सिन के हेल्प से सेल के अंदर का जो भी फंक्शनिंग होनी होती है वो होती है. ओके, सो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो आप बोलेंगे इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन विच रेगुलेट द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन बॉडी. उसके बाद सेकेंड चीज़ दूसरी, इट आल्सो अफेक्ट द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ये बॉडी की जनरल ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है. नाउ हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपो मींस होता है कम और हाइपर मींस होता है ज़्यादा. हाइपो मींस कम, हाइपर मींस ज़्यादा. तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हाइपो मींस कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायरॉयड का प्रेजेंस. मतलब अगर थायरॉयड का प्रोडक्शन, उसका सेक्रेशन कम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म. द अंडर एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड वेयर हार्मोन इज अंडर सिक्रेटेड रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म. कह रहा है कि जब इन हार्मोन्स यानी थायरॉयड के जो सेक्रेशन है, जो थायरॉक्सिन है, जब उसका सेक्रेशन नॉर्मल से कम हो जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोथायरॉयडिज्म की. ओके, द पर्सन सफर्स फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इन द नेक रीजन कॉल्ड गोइटर. क्या होता है इसमें, जो पर्सन है जिसके अंदर थायरॉयड थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, उसके गले में सूजन हो जाती है. ओके, एक स्वेलोअन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं गोइटर. ओके, एंड इट कैन बी identified by a swelling in the throat as shown in the picture. आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से, जैसा गले में आप देख रहे हैं सूजन जैसा हो गया है, इसी तरह से हो जाता है जब थायराइड की कमी होती है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की कमी हो जाती है बॉडी में. हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जब एक्सेस सेक्रेशन हो जाए तब क्या होता है. The over activity of gland or over secretion of thyroxine causes hyperthyroidism. मैंने पहले बताया कि अगर secretion जो है thyroid का, thyroxine का, thyroid gland का secretion अगर ज़्यादा हो जाए, उस condition में जो बीमारी होती है वो होती है hyperthyroidism.
हाइपरथायरॉयडिज्म में कॉज इंक्रीज रेट ऑफ स्वेटिंग और परस्पिरेशन। स्वेटिंग जिसको जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड के सेक्रेशन मतलब थायरोक्सिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनकी हार्ट बीट रैपिड हार्ट बीट मतलब हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, इनसोम्निया इनसोम्निया मीन्स होता है जिसको नींद ना आए, एंड वेट लॉस और उसका वेट लॉस होता है। ओके इस तरह की दिक्कत होती है अगर थायरोक्सिन का सेक्रेशन ज़्यादा होगा बॉडी में तब। सो वी हैव डिस्कस द पिट्यूटरी, नाउ वी विल डिस्कस द एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स आर अ पेयर ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट आर लोकेटेड अबव ईच किडनी। जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर कुछ ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, अरे सॉरी किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर होती हैं कुछ हद तक। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस एड्रिनलिन और इपिनेफ्रिन हार्मोन। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसको बोलते हैं एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन का जो वर्ड है इसका भी मतलब ये जो वर्ड है इपिनेफ्रिन इसका भी एक बहुत बड़ा मतलब है। इपी मीन्स आपको पता है आउटर होता है, जैसे इपी डर्मिस आप पढ़ते थे, सेल की जो ऊपर की लेयर होती थी उसको आप बोलते थे कि ये इपी डर्मिस है। सो इपी मीन्स आउटर और नेफ्रिन, नेफ्रिन जो वर्ड है वो नेफ्रॉन से बना हुआ है। नेफ्रॉन क्या है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी का जो सबसे यूनिट जैसे हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो है हमारा सेल। द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल, मतलब हमारी बॉडी में एक सेल सेल मिला करके हमारा बना हुआ है एक बॉडी। उसी तरह नेफ्रॉन से मिलकर के बनती है किडनी, मतलब किडनी के अंदर न्यूमरस नेफ्रॉन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर न्यूमरस सेल्स होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे बनती है, एक छोटा छोटा ईंट होता है उसको जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग बनती है, वैसे ही एक छोटे छोटे सेल को जोड़ करके एक बॉडी बनती है, उसी तरह से छोटे छोटे नेफ्रॉन्स को जोड़ करके किडनी बनती है। सो उन जो हमारा ये हार्मोन का नाम है इपिनेफ्रिन, इपी मीन्स अपर या आउटर पोर्शन, नेफ्रिन नेफ्रॉन से लिया गया है जो कि किडनी की यूनिट है। सो नेफ्रॉन के ऊपर प्रेजेंट है इसलिए इपिनेफ्रिन और हार्मोन इसको बोला गया है। ओके एड्रिनलिन इज आल्सो कॉल्ड द फाइट हार्मोन एज इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड एज अ रिस्पॉन्स व्हेन अ पर्सन इज इन स्ट्रेस और ड्यूरिंग एक्सटेंसिव फिजिकल एक्सरसाइज विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। एड्रिनलिन जो हार्मोन है इसको फाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये ज़्यादातर तब प्रोड्यूस होती है जब कोई व्यक्ति कोई पर्सन स्ट्रेस में हो या फिजिकल एक्सरसाइज किया हो। ओके मतलब ये जो एड्रिनलिन है ये बेसिकली ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करती है, बीपी को रेगुलेट करती है हमारी एड्रिनलिन हार्मोन। इसको क्या कहते हैं, फाइट हार्मोन। स्ट्रेस की कंडीशन में और फिजिकल एक्सरसाइज की कंडीशन में ये हमारे बॉडी में रिलीज होती हैं और रेगुलेट करती हैं ब्लड के प्रेशर को। आपको पता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको वो हाँफते हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी आप सांस लेते हैं, उस टाइम ब्लड में बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। सो उसको उसकी पूर्ति के लिए ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। ओके फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन स्वेट व्हेन वी आर स्केयर्ड और स्ट्रेस्ड। कह रहा है कि हम अक्सर क्या होता है
कि हम जब डरे हुए होते हैं या हमें किसी तरह का स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उस कंडीशन में हमें जो है पसीना बहुत आता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम हमारा जो एड्रेनलिन है वो रिलीज होता है। दिस इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसको हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। एड्रेनलिन ऑल्सो प्रिपेयर्स द बॉडी टू हैंडल और कोप विद द इमरजेंसी। एड्रेनलिन जो है वो हमें शक्ति देती है, हमारी हेल्प करती है कि जब किसी भी तरह की परेशानी हो, इमरजेंसी हो, उसमें हम अपने आप को किस तरह से संभालें, किस तरह से हम उसको हैंडल करें, उसकी हमें शक्ति भी मिलती है एड्रेनलिन से। ओके, दिस इज़ व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही जल्दीबाजी में हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। सपोज़ आप रेस में दौड़ रहे हैं और आप गिर गए कहीं पे, तो उस टाइम आपको तुरंत उठ के तुरंत स्पीड पकड़ना है। ये कौन कंट्रोल करता है? ये आपकी कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन, दैट इज़ एड्रिनलिन। सो ये इमरजेंसी को टैकल करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द पिट्यूटरी, देन आफ्टर एड्रिनल एंड थायराइड ग्लैंड्स टुडे, एंड रेस्ट ऑफ द ग्लैंड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर असाइनमेंट वर्क इज राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। One more thing, you have to write down the effects of growth hormone, मतलब advantages and disadvantages आपको दोनों लिखने हैं, over secretion और की condition में क्या होता है। इसी तरह से आपको हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म की भी कंडीशन को लिखना है, गिगेंटिज्म कब होता है और आपका ड्वार्फिज्म कब होता है, इसकी सारी कंडीशंस को आपको मेंशन करना है। दैट्स योर असाइनमेंट वर्क। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।